बीजेपी के नेताओं ने या सेंटर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े वादे किए जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर नया जम्मू कश्मीर होगा यूथ को रिक्रूटमेंट होगी जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियाँ खुलेंगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को या हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी ने यह भी बोला हर एक के खाते में पंद्रह पंद्रह लाख आएगा और कोई भी हर एक घर का एक मुलाजम जो है हम उसको नौकरी देंगे मुझे बताइए 2014 के बाद जो ये लिस्ट थी ऐसी बात करने की इसमें एक परसेंट भी कोई बात अगर सच हो गई हो तो बीजेपी का जो भी नेता लीडर है मेरे सामने आके बात करे और मुझे ये चीज बताए डेवलपमेंट आपने की उसका भी जवाब देता हूं वो की डेवलपमेंट आपने तोड़ने की फोड़ने की डेवलपमेंट आपने की जो हमारे लोगों को परेशान करने की आपने नया जम्मू कश्मीर बना दिया प्रोटेस्ट दरने और अखाड़े का आपने नया नहीं उड़ता जम्मू कश्मीर बना दिया आपने नशे के लिए जैसे उड़ता पंजाब मूवी बनी है नशे जैसी पंजाब के लिए जम्मू कश्मीर उड़ता जम्मू कश्मीर आपने बना दिया कि हमारे नौजवानों को जिसके हाथों में कलम होनी चाहिए उसके हाथों में ड्रग्स के टीके हैं जिसके हाथों में पेपर होना चाहिए पढ़ने के लिए उसके हाथों में क्राइम और एफ की कापियां हैं और जिसके ऑफिस में जाने का टाइम है आज वो नशे करके जहाँ तो बेचारे मारे गए हैं यहाँ तो जेल की सलाखों के पीछे हैं जम्मू कश्मीर को ये बना दिया हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है आज पानी में एक गंदे नाले की तरह बहते हुए हमारा फ्यूचर जो हमें दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है ऐसा सुनने में आया है कि आप तमाम तरह आजी मुलाजमीन को लेकर जम्मू से दहली तक एक कर यात्रा करने वाले हैं इसमें कितनी सच्चाई है देखिए मैं जफर साहब एक बात बोलना चाहता हूँ आपको हिंदुस्तान के रहने वाले हम हिंदुस्तान वासी हैं मैं छाती ठोक के बोलता हूँ हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हम उनके पास अपनी डिमांड जो है वो लेने जा रहे हैं और उनकी डिमांड को अपने मासूम ऑल डेली व्यूजर्स को जहां उनकी जो काफी लंबे साल से जो उनकी डिमांड है उसको पूरा करवाने के लिए हम दिल्ली तक जाएंगे जम्मू से लेकर दिल्ली तक जो हमारा आंदोलन का आगाज है वो शुरू हो चुका है किसी भी दिन हम इस आंदोलन को जो है वो शुरुआत करने वाले ये सच बात है कि हम ये करने वाले हैं क्योंकि अब हम करेंगे ना रुकेंगे ना झुकेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर जाके हम अपने ही प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि हम आप ही के देशवासी हैं हम हिंदुस्तानी हैं हम हिंदुस्तान में रहने वाले यहां तो जम्मू कश्मीर में तो हर कोई सड़कों पर है कोई बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना लगा रहा है कोई प्रेस क्लब में धरना लगा रहा है कोई रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन ऑफिस के बाहर जो है वो धरना लगा रहा है कितने मसाइल आप जम्मू से दहली लेकर जाएंगे और क्या वहाँ पर कितने लोगों की बात करेंगे देखिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आपने कहा कि बीजेपी ऑफिस के बाहर एन वाई सी रहबरे खेल, आपके दूसरे ऑल डेली कोई भी जाते हैं मुझे बताइए क्या बीजेपी के ऑफिस के अंदर कोहिनूर छुपा हुआ है क्या कोहिनूर को ही का हीरा पड़ा है अंदर जो आप वहां पे उसको लेने के लिए बात करते हैं अरे मुझे बताइए बीजेपी के ऑफिस चला बीजेपी चला बीजेपी ऑफिस चलो बीजेपी अरे बीजेपी के ऑफिस में जाके क्या खाओगे खाना खाओगे चांदी की थाली में रोटी खाओगे मुझे बताइए इससे अच्छा अमरनाथ यात्रा चले जाओ माता वैष्णो देवी दर्शन करने चले जाओ वो आपका उद्धार कर देंगे लेकिन चलो बीजेपी के ऑफिस में उधर क्या कौन सी आपको सोने की ईंटें मिलती हैं जो आपको आज दिन उधर बैठ जाते हो जब आपको पता है आश्वासन तो, तो मिलते हैं ना खाना नहीं मिलता आश्वासन तो जरूर मिलते हैं वहां देखिए मैं उन जितने भी वहाँ के जो प्रेजेंट हैं हमारे जो प्रोटेस्ट करते हैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको आश्वासन से पेट भरता है तो कम से कम अपना पेट भरिए लेकिन आपके पीछे जो हजारों लोग बैठे हैं उनको बेवकूफ ना बनाइए आप लोगों को पता है कि आए दिन आ जाते हैं रविंदर रैना जी हम बैठे हैं हम खड़े हैं हम उठने वाले हम चलने वाले हैं आपको ये हो गया आपको वो हो गया अरे भैया जम्मू कश्मीर आज वो हालत पे वो स्टेज पे पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर के कानों में सिर्फ आश्वासन सिर्फ धोखा विश्वासघात गूंजता है और कोई भी वहां पे नहीं गूंजता अगर है दम हमारे लीडरों को और बैठे हैं ना बीजेपी के ऑफिस के बाहर अगर है दम मैं बोलता हूँ सन्नीकांत जी आओ हमारे साथ दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री के घर के ऑफिस के बाहर बैठेंगे यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला अरे एल एडमिनिस्ट्रेशन है एल साहब के पास जाके कुछ मिल सकता तो ले लो लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिलने वाला अगर आपको वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार होता तो वो लोग आज आपके लिए वो 25 एमएलए छोड़ो 5 एमएलए उठ के दिल्ली में जाके बैठ जाते तो उनका इंसाफ करवा पाते मुझे बताइए एम मंत्री सरकार होने के बावजूद भी अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो आज कौन सा आपका उदार कर पाएंगे आज कौन सा कमेटियां गठित करके आपको बता देंगे हमने कमेटियां गठित कर दी जब खुद मंत्री रहे हैं वो कमेटियों के मेंबर तब नहीं कुछ कर पाए तो आज क्या कर लेंगे आपका और आपको बड़ा थापियां लगा के गले लगा के आपको बोल देते आप खुश हो जाते वाह हमारे साथ आगे हमने सब कुछ ले लिया क्या ये मान के चले कि भाजपा जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है तो आबाद कहां से हो चुकी है और आबाद कहां से होगी और सही काम भी कहां से होगी मुझे बताइए जब हमारे लोगों के मसले आप मैं क्या लिस्ट मैं, में बताइए चार चार सौ पांच पांच सौ करोड़ का, का जम्मू कश्मीर के अंदर स्कैम हुआ हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा स्कैम हुआ तब क्या कर दिया इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान हमारे आज जिस मैंने पहले कहा नशे की तरफ बढ़ गए वो नहीं इनसे संभल पा रहा जम्मू कश्मीर के टेलीविजन हो एन वाई सी हो रेफर जंगलात हो रेफरे रिजर्व कैटेगरी हो पी एम पैकेज हो हमारे यहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो लिटिगेशन ने कैंसिल कर दी जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको कुछ जो चीज मिलनी चाहिए वो मिली नहीं ना कोर्ट के इंसाफ मिलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन का इंसाफ मिलता है जो जिसके हाथ में लाठी है वो बैंस चलाते जा रहा अपनी मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार ये कब तक होगा कब तक लोग जो है यूनाइट होकर जम्मू कश्मीर की आवाज नहीं उठाएंगे भैया जम्मू कश्मीर को यूनाइट होके एकजुट होके जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाइए कौन लीडर कैसा है कौन पार्टी कैसी है उसको छोड़िए लेकिन जम्मू कश्मीर की एकता को बराबर रखते हुए जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने का काम जो है हमारे साथ कीजिए नहीं कर सकते हो तो अपने दफ्तरों को बंद करके अपने घरों में चले जाइए क्योंकि और जिलों हम लोगों का नहीं देख सकते किसी ना किसी को उठ के आगे आना ही पड़ेगा किसी ना किसी को साथ देना ही पड़ेगा लेकिन आप जो भी हैं क्योंकि हम निकल पड़े उस मंजिल पर कि हमारे अपने लोगों को जो है उनका हक जो को इंसाफ दिलाने में जो हम कतई पीछे नहीं हटेंगे और उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे और ये जो आंदोलन हमारा शुरू होने वाला है यह तब थमेगा जब तक हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा और आल डेली विजर्स और हमारे आल रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं ये सबके समर्थन इनके मैनिफेस्टो में नाम है कि इनके समर्थन में हम इस आंदोलन का जो है वो शुरुआत कर रहे हैं और इनकी डिमांड पूरी करवाने के लिए दिल्ली तक इस आवाज को गुंजाएंगे